Type 1B और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहली बात कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट ही होता है इसका, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि आपको इसमें क्या याद होना चाहिए, अल्फाबेट्स के प्लेस जो है, वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू है वो याद होना चाहिए, कि मतलब कि आपका ए किस पे आता है। जब ABCD आप लोग लिखते हो, मैंने बताया भी था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर ए से लेके हम जेड तक स्टार्ट करें तो ए पहले पे आएगा, बी आपका दो पे आएगा, तो यही आपका प्लेस वैल्यू होता है, ठीक, उसकी नंबरिंग कर देना। तो ये आपको याद होना चाहिए, यही इसमें कॉन्सेप्ट है, यही उसका सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे वो टाइप टू है, किसका, लेटर टू लेटर का। इसमें क्या है, चेंज इन पोजिशन का हमने बात किया, और चेंज इन नंबर में आएंगे। आज हम बात करेंगे चेंज इन नंबर, ठीक है, नंबर में चेंज होगा, नंबर में चेंज होगा। इसका मतलब कि जो आपको डिजिट, मैंने पहले वाले में बताया कि जो डिजिट यहां दिखता है वही डिजिट कोड किया गया रहता है, मगर यहां ऐसा नहीं होगा। यहां ऐसा होगा कि आपका ये जो डिजिट है जिस प्लेस वैल्यू पे आएगा उसमें या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक, या दोनों चलेगा, दोनों सीरीज चलेगी। तो उसी पर देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन बनता है चेंज इन नंबर पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक टाइप है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें टाइप बनता है। एक संकेतिक भाषा में वॉच को लिखा गया है XBUDI। तो आपको पहला स्टेप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ABCD आप जहां पढ़ रहे हो एक कॉपी लो, पेन लो, वहां पे ए से लेकर जेड तक नंबरिंग कर डालो, लिख डालो, ताकि आपको सभी का नंबर पता चल जाए। और साथ साथ मेरे बोलते रहो कि इस जो लेटर है उसका क्या प्लेस वैल्यू क्या है। तो जैसे यहां लिखा है, पहला स्टेप आपको वही करना है, WATCH। वाच को क्या कोड किया गया है वो है XBUDI में, ठीक। तो जो ABCD आप लोग लिखे हो बगल में उसमें नंबर देखो कि W जो है किस पे आता है, ठीक। तो ये W किस पे आता है याद कर लो इसे, क्योंकि यही याद करोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा बनेगा। W 23 पे आता है, A किस पे आता है, 1 पे आता है, क्योंकि A से ही तो अल्फाबेट शुरू होता है, तो इसकी नंबरिंग क्या होती है, 1 होती है। T किस पे आता है, 20 पे आता है, इजोटी याद कर लो इसके लिए, ठीक। तो ये 20 पे आ गया। और सी किस पे आता है, 3 पे आता है, और एच किस पे आता है, 8 पे आता है। पहला काम, जब भी चेंज इन नंबर वाला दिखे, मतलब जो लेटर यहाँ यूज है वो लेटर यहाँ नहीं यूज हुआ हो, तो समझ लेना कि ये क्या है, कौन सा टाइप है, ये टाइप 2 है, किसका, पहले वाले का, जो लेटर टू लेटर मैंने बताया था उसका टाइप 2 है, ठीक। एक होता है आपका चेंज इन पोजिशन, तो उसमें क्या होता है, वही सेम लेटर यहाँ यूज होते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम पहले नंबरिंग कर लेंगे, उसके एक्स की नंबरिंग कितनी होती है, 24, बी किस पे आता है, 2 पे, यू 21 पे आता है, और डी किस पे आता है, 4 पे, और आई किस पे आता है, 9 पे। अब यहाँ देखोगे जैसे ही इस क्वेश्चन को, तो आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा आस पास उसके, जैसे यहाँ देखो 23 है तो यहाँ 24 है। मैंने बोला ना कि इसमें जब चेंज इन नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो यहाँ बढ़ने वाली सीरीज है, एक एक सम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किस टाइप का है, उसमें इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीज कर रहा है नंबर, किससे बढ़ रहा है, हो सकता है इसमें प्लस एक हो, प्लस दो हो, प्लस तीन हो, ऐसे भी हो सकता है, या आपका सिर्फ सिंगल एक कांस्टेंट वाला भी हो सकता है, मगर ये जो है एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, इसमें क्या है, सम में एक एक आपका एक या दो बढ़ेगा। जैसे देख लेते हैं 23 से ये क्या हुआ है, 24 हुआ है, तो कितने का प्लस हुआ है, एक बढ़ गया है। इसी तरह एक यहाँ पे एक है प्लेस वैल्यू, यहाँ दो है, तो ये क्या हुआ, ये भी बढ़ गया, कितने से बढ़ा भाई, एक से बढ़ा है, ठीक। यहाँ 20 है तो 21 हो गया, तो ये कितने से बढ़ा, एक से बढ़ा, मतलब कांस्टेंट ये क्या हो रहा है, एक एक इसमें ऐड हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई अगर यहाँ पे हो, मान लो मैंने यहाँ दिया टेबल, ठीक, और इसमें टी की वैल्यू 20 होती है, ए 1 पे होता है, बी आपका 2 पे होता है, एल 12 पे, और ये 5 पे होता है। इसमें ये हो सकता है कि इसमें एक बढ़े तो यहाँ होगा 21, तो यू होगा। इसमें हो सकता था 2 बढ़े तो ये कितना पे हो जाएगा, 3 पे, मतलब सी हो जाएगा। तो ये 3 बढ़े, ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एक बढ़े,
वो तो आपको देखने से लगेगा, जब दोनों की नंबरिंग कर लोगे प्लेस वैल्यू, तो अपने आप दिख जाएगा सामने सामने कि क्या चल रहा है, कैसे बढ़ा है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ सी से डी प्लस वन हो रहा है, यहाँ भी प्लस वन हो रहा है, तो मतलब ये इंक्रीज, एक एक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें किसका आंसर चाहिए, क्लॉक का आंसर चाहिए। ठीक, तो क्लॉक के लिए हम आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसे रफ करते हैं। क्लॉक के लिए हमें आंसर चाहिए सी एल ओ सी के। इसकी भी नंबरिंग, सबसे पहला काम चेंज इन नंबर में करना क्या है, आपको नंबर पहले लिखना है, इसीलिए तो हम चेंज इन नंबर है, क्योंकि नंबर में ही चेंज हो रहा है, तो एटलीस्ट नंबर उनका प्लेस वैल्यू लिख लो। ये हो गया 3 और ये हो गया 12, और ये इतना आता है कितने पे, 15 पे ओ, और सी किस पे आता है 3 पे, और के किस पे आता है 11 पे। पहले वाले में मैंने बता दिया वॉच कैसे बढ़ रहा था, प्लस प्लस एक एक प्लस हो रहा था सभी में, तो इसमें भी हम करेंगे क्या, प्लस वन, तो 3 से प्लस 1 करेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, 4 पे क्या होता है भाई बताओ, डी होता है। ठीक, 12 पे है तो 12 से 1 प्लस पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 13 पे पहुंचेंगे, 13 पे क्या होता है हाफ, अल्फाबेट्स में हाफ 26 लेटर होते हैं, तो 13 पे क्या होता है आपका एम आता है, तो ये हो जाएगा 13। 15 पे 1 प्लस करेंगे तो 16, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, सी के बाद फिर डी आएगा 1 प्लस करोगे तो, और के बाद 11 के बाद 1 प्लस करोगे तो 12, 12 पे क्या आता है आपका एल आता है। तो देख लो कहां ऑप्शन है ये आपका डी एम पी डी एल, कौन सा ऑप्शन है, डी एम पी डी एल, ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। तो पहला टाइप में आपको ये एक टाइप से, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा कि सभी में एक एक इंक्रीमेंट हो। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं तो आपको उसका अलग टाइप से ये क्वेश्चन है, उसी के टाइप का, चेंज इन नंबर में ही अलग टाइप से है ये क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ब्लू, ठीक लिख लो पहले, पहला काम कि जो भी आपसे क्वेश्चन बोलता है वहां पे तुरंत यहां लिख लिया करो अलग से। उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि उसकी प्लेस वैल्यू से नंबरिंग कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि कोड कैसे हुआ है। जैसे दोनों को लिख लिए एफ डब्ल्यू ओ एफ और सबकी नंबरिंग कर दो भाई, यहां पे ये 2 पे आता है, ये 12 पे और ये 21 पे आता है, और ये किस पे आता है 5 पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जिसे नंबरिंग ना याद हो सभी अल्फाबेट्स की, वो लिख के उसे रट डाले, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग के, उसके अलावा मैं और कोई कॉन्सेप्ट बता ही नहीं सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं। ठीक, और ये हो गया 6, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो गए, सिंपल एक कॉन्सेप्ट पढ़ो जिस पे सभी लग जाए। तो यहाँ देखो 2 है, 12 है, 21 है, 5 है, इतना प्रैक्टिस कर डालो कि आपको नंबरिंग पूरा याद हो जाए। और ये क्या होगा 23, ये हो जाएगा 15, और ये किस पे आएगा 6 पे आएगा। जैसे लिखे कुछ पता चला भाई आसपास, हाँ पता चलने लगा कि कहां से बढ़ रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा लंबा नहीं, पहले तो सबसे छोटा सोचो कि कहां से इंक्रीज हुआ, कितने नंबर से। जैसे 2 से 6 छोड़ोगे तो यहां पे 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले तो यही सोचोगे ना कि हो सकता है 2 से 6 पे आया तो मतलब 4 बढ़ा, तो यहां पे भी या तो 4 5 6 7 ऐसे जाए, या सब में 4 4 ऐड हो। तो देख लेते हैं, ये 12 है और ये 23 है, तो इसमें तो काफी अंतर हो गया, तो इसका मतलब कोई कांस्टेंट नहीं चला। तो पहले उसे ढूंढते हैं कि कहां से कांस्टेंट चलेगा। देखो ई है, यहां एफ आया, 5 से 6 21 है, तो यहां 23 हो गया, तो 2 मतलब 5 से 6 बढ़ा, कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, 1 बढ़ा। ये 21 है, यहां 23 हो गया, तो कितना बढ़ा, 22 23, 2 ऐड करोगे तभी तो 23 आएगा, मतलब 2 बढ़ा, ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, मतलब पीछे से इसकी कोडिंग हो रही है। और ये 12 पे है तो अब ये कितना बढ़ेगा, जब ये 1 बढ़ा है, ये 2 बढ़ा है, तो ये 3 बढ़ेगा, तो 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 आएगा, 15 पे क्या होगा, ओ आएगा, फिर यहाँ पे 3 बढ़ा तो ये किस कितने पे बढ़ेगा, ये 4 पे बढ़ेगा, तो 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 ऐड होगा। तो सिंपल सा है, लास्ट से क्या हुआ, इसकी कोडिंग हुई है। पहले वाला जो मैंने बताया एग्जांपल कराया उसमें क्या था, जो पहला था वो पहले से इंक्रीमेंट हुआ था, और ये कोडिंग कैसी है कि यहां से पहला लेटर बन रहा है आपका F, उसके बाद से यहां से सेकंड वाला लेटर बन रहा है, इस टाइप से चल रहा है। तो आपको जब भी हो कोड आए, आपको ध्यान रखना है, पहले शुरू से देख लेना, फिर उसके लास्ट वाले से देख लेना, ऐसे ही आगे मैं बताऊंगा, बीच से स्प्लिट करके आपको देखना पड़ेगा, तो आगे एग्जांपल पे मैं सब कराऊंगा।
तो अब समझ में आ गया कि कैसे ये कोड बना है। बस हम निकाल लेते हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि पिंक का कोड क्या होगा भाई, तो पिंक की कोड का पहले क्या करो, नंबरिंग कर डालो, कुछ नहीं सोचना, नंबरिंग कर डालो। पी किस पे आता है, 16 पे, आई किस पे आता है, 9 पे, एन किस पे आता है, 14 पे, और के किस पे आता है आपका, 11 पे। कैसे चल रहा है, लास्ट वाला पहले आ रहा है, लास्ट वाला पहले आ रहा है, तो लास्ट वाले में क्या ऐड हो रहा है, प्लस वन ऐड हो रहा है, तो प्लस वन ऐड कर दो इसमें भाई, प्लस वन। 11 में प्लस वन ऐड करोगे तो कहाँ आ जाओगे, 12 पे हो, तो 12 पे क्या आता है, एल आता है, देख लेना अल्फाबेट टेबल में। उसके बाद से जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो भैया जब इसमें वन हो रहा है प्लस, इसमें टू हो रहा है, इसमें थ्री हो रहा है, तो लास्ट वाले में प्लस फोर होगा, तो 16 में चार ऐड कर दोगे तो क्या पहुंच जाएंगे हम, 20 पे। तो 20 पे क्या होता है, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15 और 20, 20 पे टी आता है, तो यहाँ हो जाएगा टी 20 पे। तो देख लेते हैं जहाँ शुरुआत हो एल से और लास्ट हो टी से कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये एल और टी से समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों एल है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी दोनों एल है तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें शुरुआत हो रहा है एल से और ख़त्म कहाँ हो रहा है, टी से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका सेकंड वाले में, जो आपका सेकंड टाइप में आज पढ़ा रहा हूं उसका दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगले में बढ़ते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोल रहा है फ्लावर को कोड किया गया, ये भी आपका टाइप है एक, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप आपको बता रहा है कि कैसे उस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में इंक्रीमेंट होगा एक सिंगल का, किसी में पीछे से पीछे वाला लेटर आगे में आ जाएगा, किसी में आगे वाला पीछे चला जाएगा, ऐसे आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा। तो अब इसमें भी क्या करते हैं, पहला फंडा मैंने जो बताया आपको कि सब लिख डालो पूरा, जिसको बोल रहा है फ्लावर लिख लो, और उस पर क्या करो, उसकी नंबरिंग कर दो। नंबर क्या है भाई, बताते रहो, आंसर भी कमेंट करते रहो साथ ही साथ, ताकि देखते हैं किसका आंसर सही होता है। फ्लावर इस पर क्या होगा, F6 पे आता है, L12 पे, O किस पे आता है भाई, बोलो बोलो, 15। ये कितने पे आता है, ये 23 पे, और ये 5 पे, और ये 18 पे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कोडिंग की गई है क्या है, J, G, K, T, C और Q, इसकी भी नंबरिंग कर डालो। ये कितने पे आता है, ये तो 26 पे आता है, ये 7 पे आता है, K कितने पे आता है, 11 पे, T 20 पे, और सी 3 पे, और क्यू किस पे आता है, 17 पे। ठीक है, अब जैसे ही नंबरिंग किए तो आस पास ढूंढो, मैंने कहा पास पास ढूंढो, तो पास पास ना चले जाना खाने, यहां पे देखो आस पास ढूंढना है, तो 12 के पास क्या होगा, आस पास 11 दिख रहा है, उसके बाद से 15 है, तो 15 से 20 दिख रहा है, यहां 23 है, यहां 3 दिख रहा है, ये 18 है। तो आपको कैसे ये कोड किया गया है ये देखना पड़ेगा इसमें। तो देखो ये तो 6 है, यहां L है 12 पे, यहां 7 है, तो ऐसा क्या इसमें हुआ है डिक्रीट। तो यहां से देखें L और G में कितने का अंतर है भाई, पहले यहां से देख लेते हैं, L और G में ये 12 पे है या 7 पे है, तो कितना हुआ, -5 हो रहा है भाई, -5 हो रहा है। अभी हम तक कौन सी सीरीज पढ़े, सब में प्लस हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 15 से के को देख लें तो यहां क्या हो रहा है, 15 से जो के देख रहे हैं तो यहां हो रहा है क्या, कितना माइनस हो रहा है, 11 4 15 होगा, तो देखो -4 हो रहा है, मतलब एक सीरीज मिल गई। वैसे करते तो यहां 12 से 11 -1 हो रहा है, 15 से यहां 17, मतलब ये यहां भग रहा है, तो ऐसे मैच नहीं खाता। यहां जैसे किए कि यहाँ पे 12 से हम जी पे गए तो -5 हुआ, और 15 से के गए तो कितने का डिफरेंस आया, -4 का डिफरेंस आया। अब इसका मतलब अगले वाले में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, -3 का होना चाहिए, देख लो है, क्योंकि ये W 23 पे है और ये T पे है 20 पे, तो -3 का। ऐसे अगला वाला किस पे होना चाहिए, -2 का। बस पकड़ में आ गया आपको कि किस सीरीज में ये चल रहा है। तो 5 से 3 पे आ गए हैं -2, और यहाँ 18 से 17 पे आ गए हैं, मतलब -1। ठीक, तो ये कितना होगा भाई, ये 5, 4, 3 चल रहा था, जाहिर सी बात है यहाँ कितना, 6 का कमी होगा। ठीक, क्योंकि 26 पे ये होता है 6 ऐड कर लो, उसके बाद से उसमें से 6 माइनस करना है, तो फिर से वहीं पे जेड पे ही आ जाओगे, तो ये आपका यहाँ 6 माइनस होगा। बस
उसी को देख के आपको पता चल गया कि अब ये माइनस वाला है। अभी तक मैंने जो बताया आपको एग्जाम्पल वो किस पे चल रहा था, प्लस इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ये जो है ये कौन सी सीरीज में चल रहा है, वो डिक्रीज होने पे चल रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें हमें आंसर किसका निकालना है, नेचर का आंसर निकालना है, तो इसे भी आप क्या करो, इसे आप इसे रफ करते हैं। नेचर लिखा है, इसके पहले क्या करो, नंबरिंग कर डालो पहला काम। एन कितने पे, 14 पे, ए 1 पे, 20 पे, और ये 21 पे या 18 पे, और ये 5 पर। क्या चल रहा था भाई, यहां से चल रहा था ना, -6 -5 -4 -3 -2 -1, बस लगा डालो। यहां से -6 करोगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 6 14, तो 8 पे क्या आता है, एच आता है। ठीक है, और ए से कितना डिक्रीज करना है, -5 करना है आपको, तो -5 करोगे कब, तो 1 पे माइनस है, यहाँ पे आपका 1 पे है ए, उसके बाद से -5 करोगे तो यहाँ देखो जेड यहाँ होता है ए, उसके बाद जेड होता है, वाई होता है, एक्स होता है, डब्ल्यू होता है, तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो टोटल आपके पास 26 लेटर होता है, ये एक 27 हो गया, 27 में से 5 माइनस कर दो तो कहाँ पहुँच जाओगे, 27 में से 5 माइनस कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे भाई, 22 5 27, तो 22 पे पहुँचोगे, 22 पे कौन सा लेटर होता है, टी 20 पे होता है, दो आगे जोड़ लो उस पर 22, यू वी, तो यहाँ हो जाएगा वी, तो एच और वी हो गया। उसके बाद से 20 यहाँ से क्या इतना माइनस होगा, 4 माइनस होगा, 20 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाओगे, 16 पे आ जाओगे, 16 पे क्या होता है, पी होता है। ठीक है, पी होता है। उसके बाद से अगला क्या है, 21, 21 में से कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो 3 माइनस करोगे 21 में से, और लास्ट पहले लास्ट वाला देख लो, लास्ट में से माइनस एक करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 में से 1 माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, D आ जाएगा 4। तो देख लो एच वी और लास्ट में डी हो, किस में है हमारा, एच वी लास्ट में डी आ रहा है, और किसी में आ रहा है क्या भाई ऑप्शन में, क्योंकि ये ही नहीं कि तुम लोग यहाँ करते रहना, पता चले यहाँ ऑप्शन कुछ अलग ही एकदम आसान सा सेट किया गया हो। तो एच वी यहाँ डी हो गया, ये मिल रहा है, उसके बाद एच पी यहाँ मिल रहा है, हमें चाहिए वी, तो ये नहीं हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए, तो ये हमारा इस टाइप का हो गया, जिसमें क्या चल रहा था, माइनस की सीरीज चल रही थी। अभी तक हमने प्लस का देखा, अब यहाँ माइनस का चल रहा है, 6 5 4 3, ठीक एक ऐसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है लाइट लिखा हुआ है और इसका कोड ये किया गया है, तो पूछ रहा है शर्ट का कोड क्या होगा, ये भी एक डिफरेंट टाइप है उसी का। तो पहला क्या करो, सबसे पहले एल आई जी एच टी है, ये आपका 12 पे है, ये आपका 9 पे है, ये 8 पे, आपका 7 पे है, ये 8 पे है, और ये 20 पे है, और इसे कोड किया गया है ओ डी डी जी के में, तो ये कितने पे, 15 पे, 4 पे, 4 पे, और ये किस पे है आपका, 7 पे, और ये 11 पे। तो यहां से हम जब देखेंगे टी किस पे आया है, ये -5 हुआ, और एच किस पे है, यहां से 8 पे है, और यहां 4 हो रहा है, मतलब कितना हुआ, -4 हुआ, और ये 7 पे है जी, और यहां आपका डी आ रहा है, तो -5 चला, -4 चला, तो अब -3 चलेगा, तो ये -3 होगा, तभी यहाँ पे 4 पे आएंगे। अब ये वाला है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें -2 चलेगा और इस पे -1 चलेगा, तो यहाँ पे -2 चला तो देख लो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया, और यहाँ पे -1 चला तो 11 आ गया। ठीक, तो यही चल रहा है, -5 4 3 2 1, आपको निकालना किसका है आंसर, शर्ट का आंसर निकालना है। तो आप जान गए हो कि रिवर्स वाला जो है पहला लास्ट लेटर जो है हमारा पहले आ रहा है, तो लास्ट लेटर की कोडिंग क्या होती है, 20, इसकी कोडिंग क्या है फर्स्ट लेटर की, 19। ठीक है, तो यहां से कितना माइनस हो रहा है, -5 इसमें हो रहा है, -4 इसमें, -3 इसमें, -2 इसमें, -1 इसमें, तो 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा किस पे आएगा, ओ पे, 15 पे, -5 करेंगे तो, ठीक, और ये कितने पे है, आर आपका 18 पे होता है, आर इसमें से कितना माइनस करेंगे, 4, तो 14 आएगा यहाँ पे, तो 14 पे क्या होता है, एन। लास्ट वाला देख लेते हैं, एस में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 18 आर, मतलब हमारा शुरुआत किससे होना चाहिए, ओ से, और लास्ट कब होना चाहिए, आर से। देख लेते हैं भाई, तीन ऑप्शन में ऐसा है, ओ और आर,
ओ और आर, ओर और आर, पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सेकंड लेटर क्या है, एन, तो सेकंड लेटर एन है तो इसमें भी एन नहीं है और इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ये सही हो जाएगा। तो अभी तक इससे पहले जो पढ़े थे उसमें डायरेक्ट यहां से क्या हो रहा था, आपका माइनस हो रहा था, जो पहला लेटर था उससे माइनस होकर बन रहा था, और ये जो टाइप है इसमें क्या हो रहा, आपका जो लास्ट लेटर है उससे माइनस हो रहा है। ठीक, अगले टाइप पे बढ़ते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है ब्लैक। पहला आपका काम सब में यही होना चाहिए कि आप पहले उसे लिखो, लिखने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू लिखो। ये दो पे होता है, ये 12 पे, एक पे, तीन पे और 11 पे। उसके बाद जैसे ये कोड किया गया उसको नीचे लिखा करो ताकि पता चल जाए साफ साफ कि किसका कोड किस में आया है। जैसे डी 4 पे होता है, ये 14 पे, ये 3 पे और ये किस पे होता है, 5 पे और ये 13 पे। ठीक है, तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे बढ़ा है। देखने से ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 12 है, ये 14 हो गया, ये 1 है, ये 3 हो गया, ये 3 है, ये 5 हो गया। भाई देखते ही पता चल गया आपको कि कुछ नहीं, एक कॉन्स्टेंट चीजें बढ़ रही है। जैसे बी से क्या बढ़ रहा है, प्लस 2 हो रहा है, एल से भी प्लस 2 हो रहा है तभी ये 12 से 14 हो गया, ए से भी प्लस 2 हो रहा है तो 1 से 3 हो गया, यहां से प्लस 2 हो रहा है तभी 3 से 5 हो गया। तो अब दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधे व्हाइट वाले को लिखना है। जान रहे हो कि शुरुआत से प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है, एक कॉन्स्टेंट, इसे क्या कहते हैं इस टाइप को, कि कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंट कोई भी चीज, कोई नंबर कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है। जैसे प्लस 2 होगा तो प्लस 2 ही सब में होगा, माइनस 2 होगा तो माइनस 2 ही सब में होगा, माइनस 3 होगा तो सब में माइनस 3 ही होगा, चाहे वो पहले वाले से हो चाहे लास्ट वाले का पहले वाले से हो। ठीक, तो वाइट है तो इसलिए 23 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 5 पे। तो आपको पहले वाले से कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 23 के बाद 2, 25 पे पहुंचोगे तो 25 पे वाई आएगा। और इस पे भी सब में जब 2 ही 2 ऐड हो रहा है तो 5 पे प्लस 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 पे जी आता है, मतलब स्टार्टिंग वाई से होना चाहिए और एंड किस पे होना चाहिए, जी पे। तो सब में वही है भाई, ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं तो ये आपका फंडा काम नहीं करेगा। तो आगे हम देख लेते हैं, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 पे क्या आता है, जे आता है। तो जे देख लेते हैं, सेकंड लेटर होना चाहिए, किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, बाकी ये हमारे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब 2 में हम फंसते हैं तो आगे एक बार और बढ़ जाते हैं, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो जे के बाद के लेटर आना चाहिए, तो जे के बाद के लेटर किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बचा हमारा ये, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ये नहीं कि सभी निकालो, जिसे देखो कि कहां से ऑप्शन नेग्लेक्ट हो सकता है उसे नेग्लेक्ट करो। ठीक, चलो अगले वाले में पढ़ते हैं। बोला टेबल को कोड किया गया है एच ओ ई डी डब्ल्यू में, तो चेयर का कोड क्या होगा। ये भी एक अलग टाइप है, अभी मैंने कॉन्स्टेंट वाला बताया, उसी से आगे वाला है कि यहां टेबल लिखो, उसका नंबरिंग कर दो बच्चा। ठीक है, ये 20, ये 1, ये 2, ये 12, ये 5, इसका कोड क्या है, एच ओ ई डी और डब्ल्यू। इसमें कितने पे आता है भाई, 8 पे, ये किस पे आता है, 15 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 23 पे। देख लो इसमें कैसे चल रहा है, जैसे वहां पे लिखे, जैसे ही ऐसे लिखोगे और नंबर इस पे लिख दोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहां से कोड स्टार्ट करना है और कहां से नहीं करना है। देख लो, ये 5 है, ये 8 हो गया, ये 12 है, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 20 है तो यहां 3 हो गया, मतलब 23 हो गया। तुरंत दिमाग में क्लिक हो गया कि भाई 20 के आसपास 23 है, 5 के 8 बन रहा है, 12 से 15 आ रहा है, तो क्या हुआ वो समझ लो। देख लो यहां से अब हुआ, पहले वाला कांस्टेंट कहां से इंक्रीज हो रहा था, फर्स्ट टर्म से हो रहा था, अब ये लास्ट वाला पहले आएगा, तो यहां से प्लस 3 हुआ है, 12 में प्लस 3 हुआ है तो 15 हुआ है, बी आपका जो ई हुआ है तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 पे होता है, ये 5 पे हो गया, इसमें भी 3 ऐड हुआ है और इसमें भी 3 ऐड हुआ है, तभी यहाँ 4 आया, इसमें भी 3 ऐड हुआ है। तो यही आपका सीक्वेंस चल रहा है, तो जान लो सब में क्या बढ़ रहा है, 3-3 कांस्टेंट बढ़ रहा है, किधर से, रिवर्स से बढ़ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा आंसर निकालना है क्या है, चेयर, इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल है, सब में 3-3 बढ़ रहा है तो पहले में 3 बढ़ेगा और लास्ट वाला टर्म में भी 3 बढ़ेगा। तो ये 3 पे होता है, ये लास्ट वाला टर्म कितने पे होता है, 18 पे। ठीक,
लास्ट, क्योंकि जब तुम्हें सीक्वेंस पहले से पता चल जाए तो जिसका आंसर निकालना है उसको देख लो कि किस पे होता है, या 3 पे होता है या 18 पे। तो 3 से 3 ऐड करेंगे तो 6 पे आएंगे, मतलब एफ पे होगा, एफ से शुरुआत होगा, 18 और 3 18 के बाद 19 20 21 यू पे आपका एंड होगा। तो एफ और यू वाला कौन सा ऑप्शन होगा उसे हम देख लेते हैं। सॉरी, ये आपका जो चल रहा था, क्या चल रहा था, ये वाला टर्म यहां आ रहा है, ये मैंने फर्स्ट इससे प्रीवियस वाला बता दिया। आर देखो, ये ई का जो प्लस 3 हुआ है वो यहां पे आया है, 8 हुआ है। तो हमें चेयर वाले में क्या करना है कि जो लास्ट वाला होगा 18, मतलब यू यहां आएगा, मतलब यू यहां आएगा, 18 में हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो, और ये वाला कहां जाएगा, यहां जाएगा, सी में प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये 3 है, प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 6 पे आ जाओगे, एफ पे पहुंच जाओगे। ठीक, ये तो पहले टाइप का हो गया। ये सेकंड टाइप ये है उसका कि यहां से आपका जो होगा कांस्टेंट इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये 3 आया तो आर में जब हम 3 ऐड किए तो कहां, यू से स्टार्ट होना चाहिए, एफ से एंड होना चाहिए। देख लो सब में वही दिख रहा है भाई, सब में दिख रहा है। तो भाई हमें चलो आगे एक लेटर और कर लेते हैं। आई यहां पे आएगा, 9 पे आता है आई, 9 पे प्लस 3 करोगे तो क्या होगा, 9 से 3 प्लस करोगे तो क्या होगा, 9 3 12, 12 पे क्या होता है L। देख लो L है कहां पे, यहां पे L है, यहां पे L है, सब में L है। चलो इससे भी काम नहीं चला। फिर हमारा A पे 1 पे आता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो कहां पे चले आएंगे, 4 पे, मतलब L के बाद तुरंत B आना चाहिए। तो A L D, देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होने के चांस है, ये होने का चांस है, और ये नहीं होगा। अगले कर लेते हैं, अगला क्या हमारा H है, H 8 पे आता है, इसमें 3 दौड़ोगे तो 8 के बाद 9 10 11 मतलब K आना चाहिए। तो U L D K, तो U L D K F किस में मिल गया आपका, इसमें मिल गया। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा था, तो हमारा ये आंसर C जो होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं कैसा पूछता है आपसे। अगला है गुडनेस को कोड किया गया है एच एन पी सी ओ डी टी आर में, ग्रेटनेस का कोड क्या होगा। आपके एग्जाम में जो होता है, जो मैंने पढ़ाया कि एक पहला जो टाइप पढ़ाया था आपको कि पोजीशन में चेंज होना, उससे एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका इसमें होता है चेंज इन नंबर में। वो चाहे कैसे भी आ जाए, चाहे स्प्लिट करके आ जाए आपका, चाहे क्रॉस करके, पेयरिंग वाला भी मैं बताऊंगा, पेयरिंग पे भी हो सकता है आ जाए। तो इसे देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें क्या चल रहा है। तो पहले आप लिख लो, उसके बाद से इसकी नंबरिंग कर लो, 7 15 15 4 14 5 19 19, और कोड क्या है एच एन पी सी ओ डी टी आर। ये 8 पे आता है, ये 14 पे, ये 16 पे, ये 3 पे, ये 15 पे, ये 4 पे, ये 20 पे, और ये 18 पे। ठीक, इतना आप लोग इसे कर डालो, अभ्यास कर डालो कि पूरा का पूरा याद हो जाए। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कैसे काम हुआ है, क्या कोड हुआ है। देखो ये 19 है, यहां 18 हुआ, यहां आपका क्या है 19 है, ये 20 हुआ, यहां है 5, यहां 4, यहां 14, यहां 15। कुछ समझ में आया, ये 4 है, यहां 3 है, यहां 15 है, यहां 16, 15 है तो यहां 14। तो इसमें क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा एच एन पी। देखो 19 से 1 कम हुआ, माइनस 1 कम हुआ, उसके बाद 19 से 20 मतलब प्लस 1 हुआ, 5 से 4 क्या हुआ भाई, 1 कम हुआ ना यहाँ पे, और यहां से 1 बढ़ा, और यहां पे देखो क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यहां बढ़ रहा है, यहां क्या हो रहा है, 1 आपका कम हो रहा है और यहां 1 बढ़ रहा है। मतलब ये जो सीरीज है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, मतलब इसमें दोनों मिक्स सीरीज है, इसमें प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया भाई, मिक्स्ड वाले का एग्जांपल हो गया। ठीक, जिसमें आपका प्लस भी हो और माइनस भी हो। ठीक, तो इसी तरह इसका कोड निकाल लेते हैं। हमसे किसका पूछा है, ग्रेटनेस का पूछा है, जी आर ई ए टी एन ई डबल एस। ठीक, तो नंबरिंग कर लो इसका, ये किस पे आता है 7 पे, ये 19 पे, ठीक, और ये किस पे 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 14 पे, ये 5 पे, ये 19 पे। ठीक, तो लास्ट यहां से कितना होगा, प्लस 1 से शुरू होगा, तो यहां से प्लस 1 चलेंगे तो G के बाद H आएगा, माइनस 1 कर देंगे यहां से, 18 के बाद 17 में HQ,
यहाँ फिर प्लस वन करेंगे तो पांच के बाद छह आएगा, एफ पे आएगा। यहाँ माइनस वन करेंगे तो जेड आ जाएगा, यहाँ प्लस वन करेंगे तो 21 आ जाएगा यू। तो देख लो यहाँ तक एच क्यू एफ जेड यू, एच क्यू एफ जेड यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। एफ जेड यू यहाँ तक इसमें है। अब देखते हैं ये प्लस होगा, यहाँ से माइनस वन होगा तो ये किस पे आ जाएगा, तेरह पे हो जाएगा। और ये किस पे, इसमें से माइन प्लस वन होगा, पांच के बाद छह पे एफ पे आ जाएंगे हम। तो यू के बाद देख लेते हैं एम एफ किस में है, एम और एफ इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, और इसमें भी नहीं आया है। तो आपका ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। जेड यू के बाद एम एफ आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन डी, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये मिक्स सीरीज का एग्जाम्पल था। अगले पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आठ। यदि किसी संकेतिक भाषा में सिगार को यह लिखा जाता है तो उसी संकेतिक भाषा में बेटल को क्या लिखा जाएगा, इसे भी कोड कर लो, इसकी नंबरिंग कर लो। ये तीन पे आएगा, ये नौ पे, ये सात, एक और अठारह। इसका कोड क्या है, डी जी जे डब्लू डब्लू। ये आता है चार पे, ये सात पे, ये दस पे, और ये किस पे होता है, तेईस पे, ये तेईस पे। ये कैसे चल रहा है, तीन से एक चार, यहां तो दिखा कि बढ़ रहा है यहां पे, ठीक। तो तीन से एक बढ़ा, नौ से सात हुआ, ये कहां पे क्या हुआ है, ये देखो नौ से सात हुआ, सात के बाद आठ नौ मतलब माइनस दो हुआ। यहां पे देखो दस है और ये सात है, तो यहां पे कितने का अंतर हुआ, प्लस तीन का अंतर हुआ। और यहां पे क्या हुआ, एक है, यहां पे हम तेईस पे पहुंच गए हैं, तो यहां कितने का अंतर हुआ, देखो पहले तो प्लस वन था, फिर माइनस टू हुआ, फिर प्लस थ्री हुआ, फिर अब यहां क्या आएगा, माइनस फोर आना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या चल रहा, एक दो तीन चार आगे पांच, साइन चेंज हो रही है, पहले प्लस था फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देख लो छब्बीस टोटल एक सत्ताईस होता है, सत्ताईस में से चार करोगे तो तेईस पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या है, पांच माइनस प्लस होगा, आठ और पांच तेईस हो जाता है, अठारह और पांच तेईस हो जाएगा, तो डब्लू पे आ जाएंगे हम। तो ये क्या चल रहा है, इसमें सिर्फ साइन चेंज हो रही है और वन टू थ्री फोर फाइव चल रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें इसे भी कोड करना है, किसको, बी ई टी ई एल को। ये मिक्स सीरीज का ही है, इसमें भी मिक्स ही चल रहा है। तो इसमें क्या है, किस पे आता है, दो पे आता है, ये पांच पे आता है, ये बीस पे आता है, ये पांच पे, ये बारह पे। तो चल कैसे रहा है, पहले ये शुरू हो रहा है प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर, ठीक, और प्लस फाइव। तो बारह पांच सत्रह लास्ट में क्यों होना चाहिए, और शुरू किससे होना चाहिए, इसमें प्लस एक कर दो बी में तो सी होना चाहिए, तो सी से सारी शुरू होना चाहिए, और क्यू एंड किससे होना चाहिए, क्यू से। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। तो इसमें देख लो माइनस दो होगा, पांच में से दो जाएगा तो बचेगा तीन, तीन पे क्या आएगा, सी। तो डबल सी कहां से स्टार्ट हो रहा है, देख लो इसमें आ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया था, और ये होगा ही नहीं, डबल सी इसमें है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ। स्टूडेंट को कोड किया गया, अब देखिए ये भी एक अलग से टाइप है, जो मैंने बताया अभी तक हमने मिक्स पढ़ा, ठीक है, उसकी मिक्स सीरीज पढ़ी कि उसमें प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, सिंगल भी पढ़ लिया कि पहले प्लस वाला पढ़ा फिर माइनस वाला पढ़ा फिर फॉरवर्ड से पढ़ा मतलब पहले वाले से फिर रिवर्स वाले से पढ़ा। अब हम आते हैं स्प्लिट वाले टाइप में कि स्प्लिट कैसे होता है। अब देखो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोड किया गया है वी 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 डी यू पी एच। ये स्प्लिट टाइप का क्वेश्चन है, स्प्लिट मतलब आप इसकी नंबरिंग कर लो पता चल जाएगा, ये 19 हो गया, ये 20, ये 21, ये 4, ये 5, ये 14, ये 20। इधर करोगे तो ये 22 पे आ गया, 22 22 22, ये 4 और ये 21, पी 16 पे आता है, ये 8 पे आता है। तो ये इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर हैं, 7 लेटर हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, 20 से स्प्लिट करेंगे, तो मतलब यहां से तो तीन इधर हो जाएगा और तीन आपका इधर हो जाएगा। तो डी देखो सेम हू बहू ऐसे ही लिखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये स्प्लिट हुआ है।
और ये 21 क्रॉस स्प्लिट होने के बाद दोनों में क्या हुआ क्रॉस, ये सबसे ज्यादा स्टार लगा लो इस टाइप में, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इस टाइप से, ठीक है। ये यू यहां से आया, वी कितने का चेंज हुआ, प्लस वन का, 21 से 22 हुआ। उसके बाद से टी वी में चेंज हुआ तो 20 से 22 हुआ तो कितने का, प्लस दो का, और 19 से 22 मतलब कितना, प्लस तीन का, मतलब इसमें क्या हुआ, ये वाला पहले आया है, उसके बाद से ये बढ़ाया प्लस टू, और फिर उसके बाद ये बढ़ा है आपका प्लस थ्री। उसी हिसाब से यही पैटर्न इसमें भी होना चाहिए क्रॉस वाला ऐसे ही। तो 20 से बढ़ेगा तभी 21 आएगा, 14 से एक बढ़ा आपका कितना, प्लस टू, यहाँ मतलब प्लस वन हुआ पहला वाला, उसके बाद प्लस टू होगा और ये प्लस थ्री होगा, तो 5 3 8 तभी आया है। बस आपको भी क्या करना है, स्प्लिट चल रहा है तो हमें इसे मैं रफ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो करना है हमें, जिसका आंसर निकालना है उसे लिख लो TEACHER। क्या होगा भाई, 20 से स्प्लिट करेंगे तो हमारा सी तो वैसे ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो इसमें प्लस वन होगा, इसमें प्लस टू होगा बीच वाले में, और लास्ट जो फर्स्ट वाला होगा प्लस थ्री होगा, तो लास्ट वाला हमारा यहाँ जाएगा, और इसका जो हाफ होने के बाद ये ए वाला है यहाँ पे आएगा इसका कोड होके, तो ए से मतलब यहाँ बी से शुरू होगा ये, प्लस एड करेंगे और पांच में प्लस दो ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सात पे, सात पे होता है जी, ठीक। और यहाँ पे ऐड करेंगे ये आपका तीन, तो 20 पे तीन ऐड करोगे तो 23 पे आ जाओगे, 23 पे क्या होता है आपका डब्ल्यू। उसी तरह इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा किस पे होता है, 18 पे, ये 5 पे, ये 8 पे, तो 18 से 19 यहाँ होगा एस, 5 पे प्लस दो ऐड करेंगे तो 7 पे आएंगे मतलब जी पे, और 8 पे प्लस तीन ऐड करेंगे तो 8 के बाद 9 10 11 मतलब के पे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो बी जी डब्ल्यू, ठीक, सी एस जी के, ये आपका ऑप्शन मिल गया बी जी डब्ल्यू, और यहाँ पे किसी में नहीं मिला और बी जी डब्ल्यू है, बाकी आगे वाला नहीं है, तो हमारा इस ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये स्प्लिट वाला है, इसे लगा लेना कि इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, जब भी आपका क्वेश्चन वहां फंसे नहीं कोड आ पा रहा है तो एक बार स्प्लिट वाला ट्राई कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संकेतिक भाषा में फ्लावर को कोड किया जाता है इसमें, तो आपको बताना है गार्डन का कोड क्या होगा। तो इससे भी इसमें भी क्या है, स्प्लिट ही लगेगा, ये भी स्प्लिट टाइप का है, मगर इसमें जो लेटर हैं वो कितने हैं, इवन लेटर हैं, मतलब 6 लेटर हैं, 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, उसमें ऑड थे इसलिए बीच वाला हमारा कुछ नहीं चेंज हुआ था, बाकी में क्रॉस हुआ था, तो इसे हम बीच से स्प्लिट कर देंगे और क्रॉस लगा देंगे, पेयरिंग कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हुआ कैसे इसमें, देखो ये 6 पे है, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 23 पे, ये 5 पे, 18 पे, इसका कोड देख लेते हैं, ये कितने पे, आर ओ आई, ठीक है, आर ओ आई, ये 18 पे आया और ये कितने पे आया, ये 15 पे आएगा और ये 9 पे, तो देख लेते कैसे चला, ये 15 18 हुआ मतलब प्लस 3 हो गया, 12 15 पे हुआ तो प्लस 3 हो गया, और 6 9 पे हुआ मतलब सब में कांस्टेंट बढ़ रहा है। अभी पिछले वाला क्या था, उसमें इसमें प्लस 3 हो रहा था, इसमें प्लस 2 हो रहा था, इसमें प्लस 1 हो रहा था, तो कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको जैसा कोड मिल जाए वहां पे। 18 है तो यहाँ का सब में 3 होता है, तो 18 के बाद 19 20 21 यू आएगा है, तो हमें जब पता चल गया तो हम सीधे आप आंसर पे आते हैं कि हमें किसका आंसर निकालना है, वो देख लेते हैं, हमें किसका आंसर निकालना है, गार्डन का आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले स्प्लिट कर देंगे बीच से, और इसकी नंबरिंग कर दो 7 1 18, और यहाँ कर दो 4 5 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 18 में प्लस 3 ऐड कर दो तो यू से शुरू होगा यहाँ पे, 1 में 3 ऐड कर दो तो 4 मतलब डी होगा, और 7 में 3 ऐड कर दो तो 10 मतलब यहाँ जे हो जाएगा, ठीक है। तो यू डी जे, देखो सब में है यू डी जे, यहाँ है यू डी जे, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, 14 में 3 ऐड कर दोगे 17 मतलब क्यू आना चाहिए, देख लो किस पे क्यू आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसमें नहीं है तो हमारा ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका इसका सही होगा। तो स्प्लिट वाला पे हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ये भी एक अलग से टाइप है, देखो यहाँ पे लिखा है गोल्ड, और कोड क्या किया गया है, एफ एच एन पी
के एम सी ई से। लेटर यहाँ चार हैं और जब कोड किया गया है तो दो दो चार दो छः दो आठ लेटर हो गए। ये कैसे हो गया भाई, इतना कैसे इंक्रीमेंट हो गया? तो ये भी एक टाइप है, ये उसमें एक टाइप है। क्या है कि देखो ये जो जी है इसकी नंबरिंग करोगे तो सात, ये पंद्रह, ये बारह। नंबरिंग करना तो भूलना मत, अगर नंबर नहीं करते हो तो समझ ही नहीं आएगा कैसे चल रहा है। ये छः है, ये आठ है, ये चौदह है, ये सोलह है, ग्यारह है, ये तेरह है, ये तीन है, ये पाँच है। ठीक, अब देखो सात यहाँ पे छः और आठ लिखा है, मतलब सात किसके किसके बीच में आता है, छः और आठ के बीच में आता है ना, छः सात आठ, यही तो होगा। तो क्या किया गया, उसके इधर वाला और उधर वाला टर्म, जी के इधर वाला टर्म सिक्स होगा और जी के उधर वाला टर्म क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों टर्म लिख लिए गए हैं, छः और आठ। वैसे ही ओ के, ठीक, ओ के लेफ्ट में और ओ के राइट में जो टर्म आता है क्या आ गया, चौदह और सोलह के बीच में ही तो पंद्रह आएगा। वैसे ही ये जो है एल जो है किसके किसके बीच में आएगा, ग्यारह और तेरह के बीच में आएगा, और ये किसके किसके बीच में आएगा, तीन और पांच के बीच में चार आएगा। तो क्या हुआ है, बीच वाला टर्म सिर्फ आपका उसके लेफ्ट और राइट वाला टर्म से कोड कर दिया गया है। तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक, तो चलो इसे हम बताते हैं, कोड हमसे क्या पूछ रहा है उसे करते हैं। हमें पूछ रहा है क्वाइन का कोड क्या होगा, तो पहले इसकी नंबरिंग कर लो। चार ये किस पे आता है, पंद्रह पे, ये नौ पे, ये चौदह पे। भाई चार किसके किसके बीच में आता है, आपका तीन चार पांच, ठीक, इसी के बीच में आएगा। तो तीन पे क्या आएगा आपका, सॉरी ये सी जो है आपका तीन पे आता है, ठीक, ये पंद्रह पे, ये नौ पे, ये चौदह पे। तो सी आपका तीन पे आता है तो किसके किसके बीच में आएगा, दो तीन चार, ऐसे तो चलेगा, वन टू थ्री, दो पहले इधर होगा, चार वाला उसके राइट साइड में होगा। तो दो पे क्या आएगा बी, और चार पे क्या आएगा आपका डी, तो बी डी से शुरू होना चाहिए, सब में शुरू है। अब पंद्रह किसके किसके बीच में आएगा, तो चौदह पंद्रह सोलह, तो चौदह पे क्या होता है एन, पंद्रह उसके बाद सोलह पे क्या होता है पी, आई नौ पे है तो नौ वाला किस पे आएगा आपका आठ, नौ पे, आठ पे उसके बाद नौ आएगा, फिर दस आएगा, तभी तो आठ पे क्या आएगा एच और दस पे क्या आएगा जे। तो आपका बना क्या बी डी एन पी और आपका जे एच और जे। देखो कहाँ मिल रहा है, बी डी एन पी एच जे यहाँ मिल गया, इसमें मिल नहीं रहा है बी डी एन पी एच के मिल रहा है, ये होगा नहीं। यहाँ पे बी डी एन क्यू आ रहा है, ये भी नहीं होगा हमारा, ये सभी ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा ए, तो आंसर हो जाएगा यही। ठीक, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये बोला है फिजिक्स को, इसे भी, ये भी जो टाइप है इसे भी स्टार लगा लो, इसके भी क्वेश्चन काफी आपको मिलते हैं। ठीक, इसमें क्या है, फिजिक्स को कोड किया है के एस में, तो इसको पहले देख लेते हैं और नंबरिंग कर लेते हैं, बिना नंबरिंग के तो कुछ होगा ही नहीं कोडिंग डिकोडिंग में, इतना जान लो। के एस बी एच आर एक्स एच, ये कितने पे, 16 पे, ये 8 पे, ये आपका 25 पे, ये 19 पे, ये 9 पे, ये 3 पे और 19 पे। ये कितने पे होता है, 11 पे, ये 19 पे, ये 2 पे, 8 पे, ये 18 पे, ये 24 पे और ये 8 पे। जैसे इसे लिखोगे एक चीज समझ में आ जाएगी, जब तुम ए बी सी डी अपने पास लिखे रहोगे ना, जो मैंने बताया ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहां जेड आएगा, यहां क्या आएगा Y आएगा, यहाँ क्या आएगा X आएगा, जैसे मैंने बताया था तुम्हें लिखने के लिए वैसे लिखते हो। तो देखो एक के अपोजिट में क्या है Z होता है, B के अपोजिट में Y होता है, C के अपोजिट में X होता है, ऐसे ही। और मैंने एक भी और बात बताई थी आपको कि जो अपोजिट होते हैं उनका जो प्लेस वैल्यू होता है उनका सम कितना होता है लेटर के, ये एक पे होता है 26 पे होता है, इनका सम क्या होता है 27 होता है, ये दो पे होता है ये 25 पे होता है तो 25 दो 27 होता है, ये तीन पे होता है x 24 पे होता है तो 27, मतलब जितने भी आपके अपोजिट पेयर बनते हैं उनका लेटर का जो डिजिट का सम होता है प्लेस वैल्यू का वो क्या होता है 27 होता है। तो देखो 16 और 11 ऐड करो, ये क्या है दोनों अपोजिट पेयर हैं, 6 1 7 1 1 2 27 हो गया। वैसे 19 और 8 ये भी अपोजिट पेयर हैं तो 19 8 27 ये भी 27 दे रहा, मतलब यहां से तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो कोडिंग हुई है किस पे हुई है, अपोजिट पेयर पे कोडिंग हुई है, तो अपोजिट पेयर पे हुई है। अब हमें आंसर निकालना है, तो चलो हम देख लेते हैं आंसर हम कैसे निकालेंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजी का कोड पूछा है,
BIOLOGY, नंबरिंग कर लो। दो पे होता है ये, नौ पे, ये पंद्रह पे, ये बारह पे, और ये पंद्रह, ये सात, ये पच्चीस। तो लास्ट वाला क्या होगा, पच्चीस दो सत्ताईस, क्योंकि अपोजिट पेयर का सम हमेशा सत्ताईस होता है, इसमें प्लस दो करोगे तभी सत्ताईस होगा। तो दो पे क्या आएगा, बी, और ये होता है दो पे, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, वाई, क्योंकि बी का अपोजिट क्या पेयर होता है, वाई होगा, पच्चीस वाला तभी सत्ताईस होगा। तो देख लो एक बार कि वाई से स्टार्टिंग होना चाहिए और बी से एंड होना चाहिए, तो आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया, बाकी इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसमें देख लेते हैं नौ, ठीक है, आपका नौ है, तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, तो नौ में कितना जोड़ लोगे कि सत्ताईस हो जाएगा, तो अठारह जोड़ो तो सत्ताईस हो जाएगा। अठारह पे क्या आता है, आर, अठारह पे क्या आता है भाई, आर आता है। तो देख लो वाई के बाद आर होना चाहिए, इसमें भी है, सब में है। पंद्रह है तो पंद्रह का अपोजिट पेयर क्या होगा, पंद्रह में कितना जोड़ोगे कि सत्ताईस हो जाएगा, बारह। अब बारह पे कितना होता है, क्या होता है, एल होता है, तो आपका क्या होगा, वाई आर एल, वाई आर एल, देखो इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर तेरह, ब्लैक को कोड किया गया है एनडीके में, यह भी आपका एक टाइप है, इसे भी याद रखना। इस टाइप से अगर कोडिंग आ जाती है आपके सामने कि यहाँ टोटल कितने लेटर हैं, दो दो चार एक पांच, और कोड कितना बना है, सिर्फ तीन लेटर का कोड बना है, यहाँ देखो चार लेटर हैं, कोड कितना बना है, सिर्फ दो लेटर का कोड बना है, तो आपको पिंक का कोड निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने बताया कि कोडिंग में बिना नंबर के कुछ नहीं होगा, सबकी नंबरिंग करना अनिवार्य है आपके लिए। तो ब्लैक लिखो और इसका नंबरिंग करो, ये दो पे आता है, ये बारह पे, ये एक पे, ये तीन पे और ये ग्यारह पे, और इसका कोड क्या किया गया है भाई, एनडीके, एनडीके, एन कितने पे आता है, चौदह पे, ये चार पे और ये ग्यारह पे। तो यहां से जब देखोगे ये चौदह कैसे बन गया, ये चार कैसे बन गया और ये ग्यारह सेम है सेम, तो यहां क्या हुआ है कि इन दोनों का प्लस हो गया, जो स्थान है ना ये दो पे और बारह पे, ये दोनों प्लस होके एक डिजिट दे दिया, ठीक, एक लेटर दे दिया, ये दोनों प्लस होके एक लेटर दे दिया, तीन और एक, दोनों प्लस करोगे तीन और एक प्लस वैल्यू को तो चार आएगा, चार पे क्या आता है, डी, और इसके साथ कोई मिला नहीं तो भैया ये अकेले आ गया। ठीक, वैसे ही देख लेते हैं क्या यही चीज इसमें फॉलो हुई है, इसी के साथ दो दिया है ब्लू, इसका कोड दे दिया एन जेड, ये चौदह, ये छब्बीस, ये दो पे है, बारह पे है और इक्कीस पे, ये पांच पे। तो देखो बारह और दो चौदह, मतलब दोनों ऐड हो गए, 12 प्लस 2 कर दिए 14, तो 14 पे ये दोनों ऐड होके एन दे दिया, ये दोनों ऐड 21 और 5 26, तो देखो दे दिया। अगर कोई और डिजिट होता, अगर सिंगल होता तो अकेले लौट आ जाता, मगर है नहीं, तो ये मतलब कॉन्सेप्ट यही चल रहा है इसमें कि दो डिजिटों का जो प्लेस वैल्यू उनको सम करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पिंक पूछा है, तो इसका नंबरिंग कर दो, ये 16, ये किस पे होता है भाई, 9 पे, ये 14 पे और ये 11 पे, तो ये 9 6 15 मतलब 25 वाई पे हो जाएगा, 16 और 9 25 और 14 और 11 करोगे तो 4 1 5 1 1 2 ये भी 25, मतलब ये भी दोनों सम उठा के 25 देगा और ये भी 25 देगा, तो दोनों का क्या आंसर आना चाहिए, वाई वाई आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोल रहा है कि आपका IDOL को कोड किया गया है XP में, देखो इसमें भी चार लेटर हैं और कोड कितने का है, सिर्फ दो का, तो जहां ऐसा आ जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं जो उनकी प्लेस वैल्यू हो उनको ऐड करके सिंगल डिजिट बनाया गया है, और किस हिसाब से किया गया है उसमें भी कई लॉजिक लगते हैं, वो देखते हैं इस क्वेश्चन से। ये कितने पे आता है, 9 पे, ये 4 पे, ये 15 पे, ये 12 पे, तो भैया ये XP कैसे हो गए, 24 पे, ये 16 पे है, तो XP कैसे होगा, तो यहां हम देखें कि अगर इसको और इसको ऐड कर दें 9 और 15 को तो क्या होगा, 24, ठीक 24 होगा, और P यहां 12 और 4 को ऐड कर दें तो 16 होगा, तो 16 मतलब ये हो गया कि ये एक एक छोड़ के ऐड किया गया, जैसे 9 और 15 को और इसको 12 और 4 को, तो चलो समझ में आ गया यहाँ। मगर अब आगे वाला देखें क्या वैसे ही इसमें भी हुआ है क्या, केयर वाले में FU, तो ये कितने पे, 3 पे और ये 1 पे, या 18 पे, या 5 पे, तो 3 1 4
मतलब एक छोड़ के अगर ऐड करें तो ये 18 और 3 21 होना चाहिए, तो 21 वाला पहले आना चाहिए, तो यहाँ आया है। इसका मतलब कुछ और लॉजिक है कि यहाँ पे भाई अगर 9 और 15 ऐड करके 24 आ गया तो उसी हिसाब से 18 और 3 21 होता है, तो वो पहले आना चाहिए, मगर ये यू बाद में लिखा है। इसका मतलब लॉजिक कुछ और है। लॉजिक क्या है तब तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये भाई ये आई और ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल का सम होके पहले लिखा गया है और कॉन्सोनेंट का सम होके बाद में लिखा गया है। जैसे ये पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वॉवेल कौन कौन से है, ए है और ई है, तो 5 और 1 6 हो गया, तो एफ लिख दिया गया, और ये कॉन्सोनेंट है 18 और 3 21, तो यू हो गया। उसी हिसाब से आपको करना है कि ग्लोब का कोड क्या होगा, ग्लोब का कोड क्या होगा। तो इसमें वॉवेल पहले हटा लो, कौन कौन से वॉवेल है आपका, ये है 15 पे आता है और ये 5 पे आता है, 15 5 20 हो गया, मतलब टी होगा शुरुआत में, सब में टी है। कॉन्सोनेंट जितने हैं उसको ऐड कर लो, तो ये 7 पे है, ये 12 पे है और ये आपका 2 पे है, तो 12 और 2 14 और 14 7 4 11 मतलब 21, ठीक, तो 21 यू होना चाहिए, तो टी और यू होना चाहिए, तो टी यू कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन ए में है, हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी कोई होगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बोला है एक निश्चित कूट भाषा में एजे, एजे मतलब अजय देवगन समझ लेना, को कोड किया गया है जे में और बीई को कोड किया गया है जे में, ठीक, तो बैड का कोड क्या होगा, मतलब दो लेटर को एक सिंगल लेटर में कन्वर्ट किया गया है, तो कब हो सकता है ऐसा काम, जब उनकी प्लेस वैल्यू ऐड करके ऐड कर दिया जाए और उस पर कोई वैल आपका लेटर आता हो, या मल्टीप्लाई हुआ हो, या डिवाइड हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो जब लिखोगे उसकी प्लेस वैल्यू तब पता चल जाएगी कि क्या हुआ है इसके साथ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो वही है भाई कि प्लेस वैल्यू सब कुछ भूल जाओ, मगर इसे मत भूलो, क्योंकि यही क्या है आपका एक रामबाण है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको आंसर निकाल सकता है। ए किस पे आता है, 1, और जे किस पे आता है, 10 पे, और इसका कोड क्या किया गया है, जे, मतलब ये ए और जे है, 10 और 1 अगर प्लस होता तो 11 बनता, तो के होना चाहिए था, मगर यहाँ 10 ही है, तो ये कब हो सकता है, जब ये मल्टीप्लाई हो, 10 और 1 एक में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका, 10 ही आएगा, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हुआ है तभी यहाँ जे आया है। तो बस देख लें क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है, बी और ई में, ये 2 पे आता है, ये 5 पे, तो 5 और 2 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है जो प्लेस वैल्यू है, तो बस आपको समझ में आएगा बेड का कोड क्या होगा, ये 2 पे है, ये 1 पे है, ये 4 पे है, तो 4 × 1 × 2, तो 4 × 8 × 1 आ गया, क्या आएगा आपका, 8 ही आएगा, और 8 पे क्या आता है, एच आता है, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, एच आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके जितने मैंने आज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब टाइप जो मैंने लेटर टू लेटर में चेंज इन प्लेस पे करा रहा हूँ, चेंज इन आपका जो नंबर है उस पे चेंज होता है उस पे करा रहा हूँ, उसी पे आगे बढ़ते हैं। ये रोन का कोड किया गया है SUPI से और TOSI का कोड किया गया है VUTO से, और बोल रहा है नेक का कोड क्या होगा, तो पहला सब में पहला काम एक ही है, उसे लिखो और उसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, ये 18, ये 15, ये 14 और ये 5, कोड क्या है इसका भाई, SUPI, इसे भी लिख लो, 19 21 16 और 9, ठीक। तो अब देखो इसमें कि क्या चल रहा है, कैसे ये कोड किया गया है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आओगे तो 18 से 1 19 हो रहा है, ओ जो है यू पे कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ तो समझ में आया, चलो 18 19 हो गया, ओ यू में कन्वर्ट हो गया, मतलब भाई जब एक बढ़ा तो या तो +2 होना चाहिए था, ठीक, या +1 होना चाहिए था, ऐसे तो बढ़ता है, एक सीरीज में कोई चीज़ होती है, ऐसा तो ही कि एक यहाँ पे आ गया तो एक लंबा छलांग मार जाए, तो यहाँ नहीं समझ में आया, एन फिर से 14 के बाद 15 16 आ गया, मतलब +2 हो गया, क्या चल रहा है भाई इसमें, 5 उसके बाद से यहाँ 4 हो गया, मतलब क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो तो कुछ हटके सोचो, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है
वो डिफरेंट टाइप का मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो इसमें 18 से 19 हो रहा है, तो ये किस पे बेस्ड है आपका? तो देखते हैं इसमें क्या आ गया भाई, कि एकदम रैंडम चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो 18 से 19 तो पता चला, मगर ये ओ है और ओ से यू आया, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए अगर वैसे नहीं पता चल रहा है। तो ओ से यू हुआ, तो ओ क्या है हमारा? वॉवेल है, और यू भी क्या है? वॉवेल है। ठीक, वैसे तो जैसे यहां पे आया तो ई पे भी काम कर देना चाहिए आपका, कि ई भी वॉवेल है और आई भी वॉवेल है। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्या लगा है? वॉवेल का कॉन्सेप्ट लगा है। इससे भी क्वेश्चन आपका आया था, तो इसे भी स्टार बना लो इस टाइप के क्वेश्चन को, और इस पर प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो ये ओ है वो अगले अपना वॉवेल से रिप्लेस हो रहा है। इसके आगे कौन सा वॉवेल आता है? ओ के बाद यू ही आता है, ए ई आई ओ यू। तो ओ के बाद यू आता है, वो रिप्लेस हुआ। तो ये 14 था, 14 के बाद क्या हुआ? 15 आएगा। ठीक, तो 15 पे ओ आता है, मगर वो वॉवेल है। तो इसमें लॉजिक ये लगी है वॉवेल कॉन्सोनेंट का, कि वॉवेल जो है अपने अगले वॉवेल से रिप्लेस हुआ है, और कॉन्सोनेंट जो है अपने अगले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस हुआ है। 18 भी एक आर भी कॉन्सोनेंट है, और आगे जब उसका पड़ेगा 19 वो भी एक कॉन्सोनेंट है, तो अगले वाले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस हुआ है। ओ जो है आपका वॉवेल है, तो इसके आगे कौन सा वॉवेल आएगा? यू आएगा, उससे रिप्लेस हुआ है। एन जो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ये अगले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस होगा। तो अगला कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा? ओ, तो आपका वॉवेल हो जाएगा एन के बाद 15 नंबर पे, तो 16 से रिप्लेस होगा, तो इसीलिए यहां पे 16 आया है। और फिर ई है, ये अपने अगले वॉवेल से रिप्लेस होगा, तो आई आया है। बस इसी लॉजिक पे हमें चलना है। देख लेते हैं सेकंड वाला भी जो इसके साथ दिया है, वो भी इसी लॉजिक पे है कि नहीं है। टी ओ एस आई और वी यू टी ओ, टी है से वी आया, मतलब ये 20 नंबर पे है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये भी क्या आपका टी के बाद यू आता है वो वॉवेल हो जाएगा। तो हमने क्या बताया लॉजिक, जो कॉन्सोनेंट है वो अगले कॉन्सोनेंट से क्या हुआ? रिप्लेस हुआ है। तो 20 से आगे हम जब बढ़ेंगे तो वॉवेल आ जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट चाहिए, तो वी चाहिए 22, तो उससे रिप्लेस हुआ। हाँ, वही लॉजिक लगा है। वो हमारा यू अगले वॉवेल से रिप्लेस हो गया। एस के बाद टी, ये भी कॉन्सोनेंट है, उसके अगला कॉन्सोनेंट क्या आता है? बीसी आता है। आई के बाद ओ, अगला वॉवेल, तो हाँ वही लॉजिक है कि कॉन्सोनेंट अपने अगले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस है, वॉवेल अपने अगले वॉवेल से रिप्लेस है। बस हमें कोड किसका निकालना है? नेक का निकालना है। नंबरिंग कर लो, ये होता है 14 पे, ये 5 पे, और ये कितने पे? 3 पे, और ये 11 पे। ठीक, तो अब ये जो है 14 पे है एन, तो एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे वाला हमें किससे रिप्लेस करना है? कॉन्सोनेंट से ही रिप्लेस करना है। तो 15 पे क्या आ जाता है? ओ आ जाता है, मगर वो वॉवेल है, तो उसे तो नहीं लिखेंगे। तो 16 पे जाएंगे, 16 पे क्या आता है? पी आता है, तो ये पी से रिप्लेस हो जाएगा। ई क्या हमारा? वॉवेल है, तो वॉवेल अगले वॉवेल से रिप्लेस होगा, तो ए ई आई आएगा। ठीक है, ई के बाद आई, अगला वॉवेल क्या आता है? आई आता है। सी क्या? कॉन्सोनेंट है, तो सी के बाद क्या आता है हमारा? डी आता है अगला कॉन्सोनेंट, तो डी से रिप्लेस हो जाएगा। और के बाद क्या आता है हमारा? के 11 पे होता है, कॉन्सोनेंट है। 12 पे भी L जो आता है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो वो भी L हो जाएगा। तो P I D L कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन है। तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड इसका जो है इसमें लॉजिक था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये आपका UP SSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, इस लॉजिक पे देख लेते हैं। ये आपका लोअर में क्वेश्चन आया हुआ है। रमेश का कोड किया गया है TBNFTJ में, मिताली को कोड किया गया है NJVBNJ में। तो रणबीर का कोड पूछ रहा है आपसे कि किस हिसाब से इसकी कोडिंग की गई है। तो बस पहला मैंने बताया, कोई भी कोडिंग हो उसमें सबसे क्या है जरूरी कि उसका क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख दो। आर कितने पे आता है? 18 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, 5 पे, 19 पे, 8 पे। कोड क्या है इसका? TBNFTJ। ये 20 पे होता है, ये 2 पे, ये 14 पे, F कितने पे होता है? 6 पे, 20 पे, और ये 10 पे। तो यहाँ देखो कैसे ये कोड किया गया है। ये 18 है तो यहाँ 20 हो गया, ये A है तो यहाँ B हो गया, मतलब A से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 18 में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का हुआ,
ठीक है, प्लस दो हुआ, प्लस एक हुआ, ये भी एक सीरीज नहीं चल रही अभी। अब हमें लगाना पड़ेगा अंदाजा कि कैसे हो रहा है। 13 से 14 हुआ, एक ही इंक्रीमेंट हुआ। ई से 6 हुआ, 5 से 6, इसमें भी एक ही इंक्रीमेंट हुआ। 19 से 20 एक ही हुआ, 8 से 10 दो हुआ। ठीक, तो कह सकते हो कि जो पहले वाले टर्म, पहला और लास्ट टर्म में क्या हुआ है, प्लस टू प्लस टू, ये दिमाग में आ जाएगा इसको देखते ही। अब बीच वाले में सब में प्लस वन हुआ है, क्या देखें वही चीज इसमें फॉलो हो रहा है क्या मिताली में? अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है ऐसा हो कि पहला और लास्ट टर्म में प्लस टू हुआ है, बाकी बीच वाले में आपका क्या हुआ है, प्लस वन हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं, 13 पे आता है, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 1 पे, ये 12 पे, ये 9 पे, उसका कोड क्या है, एन जे वी बी एन जे। ठीक, तो ये 13 पे है तो एक प्लस हुआ भाई, 14 आ गया। ये आई पे है तो यहाँ जे हो गया, 9 के बाद एक, 10। ये टी पे है, वी हो गया, मतलब यहाँ 2 हो गया प्लस। ये ए पे है तो ये बी हो गया प्लस 1। एल पे है तो ये कितना हो गया, 12 के बाद 14, मतलब यहाँ प्लस 2 हो गया फिर से। और 9 पे है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्लस हुआ है, यहाँ प्लस 2 हुआ। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें भी वही चलना चाहिए था, 14, 10, 22, 2, 10, यहाँ भी वैसे चलना चाहिए कि पहला टर्म में और लास्ट टर्म में दो दो है, बाकी बीच में प्लस वन वन है। मगर यहाँ क्या हुआ, पहले वाले में प्लस वन है, लास्ट वाले में प्लस वन है, मतलब ये लॉजिक, यही गलती करते हो। यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ फिल कर गया कि पहले वाले में प्लस टू हो रहा है और लास्ट वाले में प्लस टू हो रहा है, बीच में सब में प्लस वन हो रहा है, तो यही क्या करोगे, बीच वाला ये नहीं देखोगे तुम लोग कि मिताली का कोड क्या है, डायरेक्ट रणबीर का कोड इसी फैक्ट बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे निकाल दोगे और गलत हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ तो वो लॉजिक तुम्हारा सही हुआ, मगर इस वाले पे जैसे इसका सेकंड वाला दिया है वहां नहीं फॉलो कर रहा है, तो वहां तुम्हें दूसरा सोचना पड़ जाएगा कि वो लॉजिक नहीं किसी और लॉजिक से है। तो वो पहले लॉजिक पकड़ोगे तब तो आंसर आएगा, तो वो लॉजिक पकड़ते हैं कैसे। देखो ये 18 है, ये 18 क्या है, इवन नंबर है, तो जो इवन नंबर है उसमें प्लस टू हुआ है, जो ऑड नंबर है उसमें प्लस वन हुआ है, यही इसमें लॉजिक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा है। ये एक है आपका ऑड, इसमें एक नंबर ऐड हुआ। यहाँ 13 ये भी ऑड है तो इसमें भी प्लस वन हुआ। यहाँ 5 है ये भी ऑड है, इसमें भी एक हुआ। ये 19 है ये भी ऑड है, इसमें भी एक हुआ। ये एच जो है क्या है आपका, 8 नंबर पे आता है, इवन प्लेस पे आता है, तो इसमें कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, तभी 10 हुआ है। सेम चीज यही लॉजिक देख लेते हैं क्या इसमें फिल होता है, अगर हो गया तो बढ़िया है। तो देखो 13 है, ये ऑड नंबर है तो एक प्लस करेंगे। ये 9 है, ये भी क्या ऑड है तो इसमें प्लस वन करेंगे, तो ये तो सही है। अब टी देखो 20 पे आता है, तो 20 क्या हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे कितना ऐड करना था भाई, 2 ऐड करना था, तो 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो 22 पे आ जाएंगे। फिर ये ऑड हो गया तो इसमें 1 ऐड करेंगे। और 12 क्या है हमारा, इवन नंबर है तो प्लस 2 ऐड करेंगे, तो 14 हो गया। देखे तो ये लॉजिक सेटिस्फाई कर गया, तो बस हमें आंसर निकालना है किसका, रणबीर का। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था लोअर के में, 1 तारीख के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था, ये रणबीर का कोड पूछ रहा है। तो आप इसका क्या करो, नंबरिंग कर दो, ये 18 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 2 पे, ये 9 पे, ये 18 पे। ठीक, तो आपको क्या करना है, इवन जो है जिसकी वैल्यू इवन है उसमें 2 ऐड करना है, जिसकी ऑड है उसमें 1 ऐड करना है। तो ये 18 में प्लस 2 ऐड करोगे तो 20 पे ये टी आएगा, इसमें प्लस 1 करोगे तो यहाँ बी आएगा, इसमें ये इवन नंबर है तो प्लस 2 करोगे तो 14 के बाद 15, 16 आना चाहिए तो यहाँ पी होगा। और यहाँ भी ये इवन नंबर है तो प्लस 2 करोगे तो 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो 4 पे क्या आएगा, डी। और ये 9 है ऑड है तो 1 करोगे तो यहाँ जे आएगा, 18 में करोगे तो 2, 20 आएगा, तो टी बी पी, देखो टी बी पी, उसके बाद से डी जे टी, डी जे टी इसमें नहीं मिल रहा तो ये गलत हो जाएगा, बाकी में तो ऑप्शन ही नहीं ऐसा सेट है, तो यही हमारा आंसर होगा, टी बी पी डी जे टी। तो आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी एक तरीके से नया क्वेश्चन बना था, इवन में आपका 2 ऐड करना था, ऑड में 1 ऐड करना था। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है, आपका जैकपॉट क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। इसमें कोड क्या किया गया है, जो मैंने आज जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया आपसे कराया उसी पे ये निर्धारित है, कहीं और से नहीं है। इसे आपको सॉल्व करना है और आप
आंसर को कमेंट के बॉक्स में देना है। ये क्या है, क्वारंटाइन को कोड किया गया है इस भाषा में, तो आपसे पूछ रहा है जो इस समय चर्चित हैं भाई साहब कौन, कोरोना वायरस, तो उसका कोड बताओ, तो आपको कोरोना वायरस का कोड बताना है ताकि आप लोग इसका इंजेक्शन निकाल पाओ, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ, अगले सेशन में मिलता हूँ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।